नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर साधु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अपने भोलेनाथ का अनादर न करें। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वो बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण ये था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे। उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते। लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वो कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छुपाता फिरता, ताकि कोई उससे यह न पूछे कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराशा रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। एक दिन तो उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक साधु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप वो उन साधु की बातें सुन रहा था। साधु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए।
आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन ब दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन साधु की यह सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वो उन साधु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वो कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैं अब तक जो दुख झेला हूँ, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वो साधु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन साधु को बता दी और कहने लगा है, महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर वो साधु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन साधु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वो असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ाएं सही हैं, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वो असली दुख नहीं है? आगे वो मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए, तो ये साधु मुझे क्या समझेंगे? इतना सोचकर वो वहाँ से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, तो बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वो अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे ये भी सलाह दी कि
उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो। तुम्हारे साथ यह सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वो तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की ये बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने की। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके मॉल में वो बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिए, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वो सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिस कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि कैसे व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में उन्हें गुरु का आश्रम पड़ा। ये देखकर वह उन साधु के पास गया और साधु से कहने लगा है, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन साधु को बता दी। तभी वह साधु सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन साधु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई काम करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों न लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो।
उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य पर डटे रहो, ये सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वो साधु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उसे जो तकलीफें अब तक सही है, क्या वो असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो साधु सोनू के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वो साधु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तब मैं वहाँ से खोदकर इसे निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस साधु की बात मान ली और वह घड़ा उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया। इतना करके वो गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिए थे, वह कर्ज भी अब उसने चुकाने थे। लेकिन वह तो ये सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं, वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वो उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो ये सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वो मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से ये सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था, सब कुछ उल्टा पड़ गया जी। व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा, मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी,
ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है। इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से ये सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन वो सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो था वो तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ वो एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वो पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन साधु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन साधु के पास पहुंचा और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह साधु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। उन साधु के मुख से यह सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उन साधु से कहा है, महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैं आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो साधु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उन साधु से कहता है, हे महात्मा, मैं तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वो प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारा असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं, और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। आगे सोनू उन साधु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, किसी के लिए भी कोई षड्यंत्र ना रचो क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की यह सारी बातें सुनकर साधु उस पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा निकालकर उसे सोनू के हाथ में थमा दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा सोनू के हाथ में थमाते हुए उन साधु ने कहा कि इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू अब भी बड़ी अचरज में था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख है क्या, लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। ये देखकर उसे मन ही मन ये लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। जिस कारण उसने उन साधु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया
और देखते ही देखते एक बार फिर से वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की, न ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह अपनी दौलत को ना खो देना, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन ये जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वो उन्हें देख रहा था, तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वो अपने घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे, और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन साधु की याद आई। वे तुरंत ही भाग भाग उन साधु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन साधु ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आन पड़ा है? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वो साधु सोनू से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है, ये तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा, हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज और अभी। ये सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन साधु से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वह साधु सोनू से कहते हैं, बंदे इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बढ़ाकर आती है। उन साधु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके मन का वह खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वो कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते हैं। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे
और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन साधु की याद आई। वे एक बार फिर से उन साधु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरु को बता दी। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह साधु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। ये तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं, जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी स्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा, मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी सोनू उन साधु से कहता है, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए, क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए। तभी वो साधु सोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना है। हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती हैं, और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर
सोनू ने गुरुदेव से कहा है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है, लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब है कि वो ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके, जहां पर हमें ये पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को नहीं पहचाना, मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाए और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की, उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।